हर तालिका तीज। हर तालिका तीज सुहागन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं माता गौरी से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। दरअसल यह व्रत निर्जल रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं भी यह व्रत सुयोग वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस व्रत को हरतालिका तीज या तीजा भी कहते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन होता है। इस दिन कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां गौरी शंकर की पूजा करती हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, मध्य प्रदेश एवं बिहार में मनाया जाने वाला यह त्यौहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि जहां करवा चौथ में चांद देखने के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। महाराष्ट्र में भी इस व्रत का पालन किया जाता है, क्योंकि अगले दिन ही गणेश चतुर्थी के दिन गणेश स्थापना की जाती है। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमन करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हर तालिका तीज का व्रत करती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर का ही पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहा धोकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर तीन बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। व्रत की अनिवार्यता। इस व्रत की पात्र कुमारी कन्याएं या सुहागिन महिलाएं दोनों ही हैं, परंतु एक बार व्रत रखने के बाद जीवन पर्यंत इस व्रत को रखना पड़ता है। यदि व्रती महिला गंभीर रोगी हालत में हो तो उसके बदले में दूसरी महिला या उसके पति को भी इस व्रत को रखने का विधान है। व्रत का समापन। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुहापात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्टान्न एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को रखने में अपना परम सौभाग्य समझती हैं। हर तालिका तीज पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें और स्नानादि कर स्वच्छ वस्त्र पहने। अब बालू रेत से भगवान गणेश, शिवजी और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। एक चौकी पर अक्षत अर्थात चावल से अश्रदल कमल की आकृति बनाएं। एक कलश में जल भरकर उसमें सुपारी, अक्षत एवं सिक्के डालें। उस कलश की स्थापना अश्रदल कमल की आकृति पर करें। कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाकर नारियल रखें। चौकी पर पान के पत्तों पर चावल रखें। माता पार्वती, गणेश जी और भगवान शिव को तिलक लगाएं। घी का दीपक, धूप जलाएं। इसके बाद भगवान शिव को उनके प्रिय बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी के पत्ते आदि अर्पित करें। माता पार्वती को फूल माला चढ़ाएं। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। भगवान गणेश माता पार्वती को पीले चावल और शिव जी को सफ़ेद चावल अर्पित करें। पार्वती जी को श्रृंगार का सामान भी अवश्य अर्पित करें। भगवान शिव और गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें एवं देवताओं को कलावा अर्थात मौली चढ़ाएं। पूजा विधिवत कर लेने के बाद में मिष्टान्न आदि का भोग लगाएं एवं आरती करें। अंत में हरितालिका तीज की कथा पूरी श्रद्धा के साथ सुनें। चंद्रमा को अर्घ देने की विधि।
तीज पर संध्या को पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, फिर उन्हें भी रोली, अक्षत और मौली अर्पित करें। चांदी की अंगूठी और गेहूं के दानों को हाथ में लेकर चंद्रमा के अर्घ देते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा करें। हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत का अर्थ होता है अपहरण और आलिका अर्थात सहेली। इस संबंध में एक पौराणिक कथा मिलती है जिसके अनुसार पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके जंगल में ले गई थी ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से न कर दें। अपनी सखियों की सलाह से पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। जय गौरी शंकर की जय हो।